गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कौन में। मैं मीनू सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लाई हूँ रीजनिंग की एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, और उसका नाम है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हम जब भी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन चैप्टर की बात करते हैं, तो उससे पहले हमें डिस्टेंस को ड्रॉ करने भी सीखना चाहिए। तो यहाँ हम एक डॉट बना लिए और सीखते हैं कि कैसे कौन सा डायरेक्शन को हमें कैसे बनाते हैं। तो ये हुआ, यहाँ से हम खुद को मान लिए हमें नॉर्थ से जाना है तो अपवर्ड डायरेक्शन दिखाएंगे, ईस्ट जाना है तो इस डायरेक्शन को दिखाएंगे, साउथ जाना है तो डाउनवर्ड दिखा देंगे, और वेस्ट जाना है तो ईस्ट के अपोजिट दिखा देंगे। तो इस तरह से हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और एक चीज़ और हम आपको बताते हैं यहाँ पे, एक ट्रिक, जैसे आप बार बार उस चीज़ को यूटिलाइज करेंगे, जब भी अगर बात हो कि नॉर्थ से हमको राइट जाना है, नॉर्थ से हमको लेफ्ट जाना है, तो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो हमें यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिंपल एक फिगर को याद रखना है। ये पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है फ्रेंड्स, तो इसे ध्यान देंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये मैंने बना दिया। और राइट और लेफ्ट का लोग को प्रॉब्लम होता है कि अगर बोल दे कि नॉर्थ से राइट जाना है, नॉर्थ से लेफ्ट जाना है, ईस्ट से राइट जाना है, ईस्ट से लेफ्ट जाना है, या किसी भी डायरेक्शन से लेफ्ट राइट में लोगों को कंफ्यूजन होती है, और इससे लोगों के मन में बहुत क्वेरीज रहती है। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये बना दिया मैंने आपको स्वास्तिक, इसे सब लोग जानते हैं, ये हो गया स्वास्तिक, हो गया फ्रेंड्स। ये स्वास्तिक जिस डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है वो राइट साइड का डायरेक्शन होता है, और इसके अपोजिट को हम लेफ्ट साइड मान लेंगे, ठीक है। तो नॉर्थ का राइट इस तरफ होगा, ईस्ट का राइट नीचे होगा, साउथ का राइट इस तरफ होगा, और वेस्ट का राइट ऊपर होगा। और इस वाले डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, इस वाले डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट, इस वाले डायरेक्शन को साउथ ईस्ट, और इस वाले डायरेक्शन को साउथ वेस्ट। तो ये बेसिक जानकारी है फ्रेंड्स, ये आप लोग को पता होनी चाहिए। और एक चीज फ्रेंड्स, ये नॉर्थ साइड हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं ये आपस में, तो ये हमें जानना चाहिए। यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का, यहाँ पे 90 डिग्री, और यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। अब 90 डिग्री का बनता है तो एक और फिगर देख लेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये 90 है तो इसका आधा 45 हो जाएगा, 45 45 45, तो यहां पे जो एंगल बनेगा ये 45 का बनेगा, इसे याद रखेंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जितने भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिग्री से पूछे जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको ये डिग्री वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना सिखाऊंगी, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहीं से आते हैं फ्रेंड्स। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति जो है पश्चिम की ओर मुंह किए हुए है। तो फ्रेंड्स, पहले हम डायरेक्शन बना लेंगे, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ। अब यहाँ पे डिग्री वाला क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बताया है कि डिग्री कैसे काउंट करते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है पश्चिम की ओर मुंह किए हुए है, यानी कि वो यहाँ किए हुए है फेस, ठीक है। अब जो है वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। तो मैंने आपको बताया है कि ये कोण दोनों जो है 45 45 45 45, ये हर एक कोण जो है यहाँ पे 45 डिग्री का ही बनेगा, तो ठीक है। इसमें आपको ये याद रखना है क्यों, क्योंकि ये आपस में जो है 90 डिग्री का है और ये इसके आधा भाग है, तो ये 90 का आधा क्या होगा, 45 हो जाएगा। तो ये चीज हमें याद रखना है। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में लिखे मिलेगा उसी दिशा में है, और क्लॉकवाइज लिखा हुआ मिल सकता है फ्रेंड, और इसे दक्षिणावर्त भी बोलते हैं। तो ये लिखा हुआ आपको मिलेगा
इन सब का मतलब होगा राइट साइड में है, तो राइट साइड में हमें जो है वो उतना डिग्री घूमना है। यहाँ पहले बोल रहा है कि घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा, यहाँ मैंने आपको बताया कि घड़ी की दिशा हो क्लॉकवाइज लिखा हो क्वेश्चन में या दक्षिणावर्त लिखा हो, हम राइट साइड घूमेंगे, और जब एंटी क्लॉकवाइज लिखा हो उसे वामावर्त लिखा रहेगा और घड़ी के विपरीत दिशा में लिखा रहेगा। तो इसमें आपको ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, बस याद रखना है ये दो वर्ड का मीनिंग एक ही है, तो आप जिसे भी प्रिफर करें उसे याद कर लें। तो ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है पश्चिम की ओर मुख किए हुए है, हम यहाँ इसे दिखा दे रहे हैं एरो से, पश्चिम की ओर मुख किए हुए है और वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ा, यानी कि वो क्लॉकवाइज घूम गया, तो यहाँ वो व्यक्ति पहुंच गया है। देखिएगा ध्यान से, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पहुंच गया है 45 डिग्री मुड़कर, और वह उसी दिशा में 180 डिग्री मुड़ रहा है। 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 180 डिग्री का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में है वो, जैसे नॉर्थ वेस्ट में है तो उसके जस्ट अपोजिट में आ जाएगा वो साउथ ईस्ट। कैसे आएगा? देखिए 45 45 90 हुआ और 45 45 90 हो गया, तो 180 यानी यहाँ वो पहुंच गया, उसी डायरेक्शन में बोला है इसलिए क्लॉकवाइज घुमा दिए। अब जो है तब वह घड़ी के विपरीत दिशा में 270 डिग्री मुड़ जाता है। अब घड़ी के विपरीत दिशा में, अभी वो व्यक्ति जो है यहाँ है, अब विपरीत दिशा में यानी वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और 270 डिग्री, तो यहाँ तक 45 45 90 हो गया, यहाँ भी 90 हो गया, 180 और यहाँ भी 90, तो अब वो साउथ वेस्ट में पहुंच गया है। तो अब बोल रहा है कि बताइए कि वह किस दिशा में है, तो वेरी सिंपल, अब वो कहाँ पहुंच गया है? साउथ वेस्ट में। तो ऐसे आपके ऑप्शन दिया रहेगा और आप इसे सही करेंगे और इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब यहाँ बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है दक्षिण की ओर मुंह किए हुए खड़ा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम बना लेते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट, ठीक है। अब जो है वो बोल रहा है कि वह वामावर्त 135 डिग्री मुड़ जाता है। वामावर्त का मैंने आपको मतलब बताया एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो अभी वो कहाँ है? तो दक्षिण की ओर है, ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है और वो एंटी क्लॉकवाइज जो है 135 डिग्री घूम रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज इधर हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज वो 135 डिग्री घूम रहा है, यानी 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री, वो यानी यहाँ पहुंच गया नॉर्थ ईस्ट के पास पहुंच गया घूम करके, ठीक है, यहाँ पहुंच गया नॉर्थ ईस्ट के पास। अब वो उसी दिशा में 180 डिग्री घूम रहा है, ठीक है, यानी वो एंटी क्लॉकवाइज ही है। 180 डिग्री का मैंने आपको मतलब बताया कि जिस डायरेक्शन में होगा उसको ज्यादा काउंट नहीं करेंगे, अगर 180 डिग्री बोलता है तो जस्ट उसके अपोजिट साइड को ले लेंगे। आप काउंट करके भी देख सकते हैं 45 45 90 और 45 45 90 180, यानी यहाँ पे आ गया वो, तो यानी कि वो साउथ वेस्ट में आ गया 180 डिग्री घूमा, तो तब वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री फिर से घूम गया, ठीक है, घड़ी की दिशा में अब 45 डिग्री घूम रहा है यानी क्लॉकवाइज, यानी वो यहाँ पहुंच गया घूम करके। तो अब पूछ रहा है कि बताइए वह किस दिशा में है, तो पश्चिम में है, वेस्ट में है, ठीक है। तो इस तरह से हम डिग्री वाला, चाहे कितना डिग्री भी क्वेश्चन में बोल दे, 135 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री, कोई भी आप 2 मिनट से भी कम समय में सॉल्व कर लेंगे और 1 मार्क्स गेन कर लेंगे फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है, आशा करती हूँ आप सबको समझ आया होगा। फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए।